गंदगी तबाह तबाह करवा देती है। टुडे वी आर गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन सुजुकी एवरी वर्सेस होंडा स्पीड। जी हाँ, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए रिव्यू लेके आया हूँ सुजुकी एवरी वैगन का और होंडा स्पीड का, और मैं एक्सेसिबिलिटी के तनाजुर में दोनों का कंपैरिजन करूँगा। मैंने पहले एवरी ली थी 2014 में, और तकरीबन 500 यूज करने के बाद मैंने अब होंडा स्पीड ली है। दोनों को मैं एज एक्सेसिबल चीज यूज कर रहा हूँ। चलें फिर रिव्यू शुरू करते हैं। मैं आज 8 पॉइंट में इन दोनों का कंपैरिजन करूंगा। पहला पॉइंट है एक्सेसिबिलिटी। इन दोनों का स्कोर मैं एक्सेसिबिलिटी यानी व्हील चेयर एक्सेसिबल बनवा के यूज कर रहा हूँ। जब मैंने एवरी वैगन जो है उसका, क्योंकि वो एक इम्पोर्टेड कार है, तो उसमें जो स्लोप लगाई हुई है वो एक पूरे प्रोसेस से गुजर के हर चीज को डिटरमिन करके लगाई गई है, और बम्पर काट के स्लोप को अटैच किया गया है। अंदर की जो इंक्लाइन जगह है वो भी इसको देख के बनाई गई है कि अगर ब्रेक लगे तो आगे से जितना ऊंचा होकर बंदा आगे ना जाए। और जो होंडा फील्ड है वो लोकली हमें असेंबल किया है और उसको इधर एक्सेसिबल बनाया है। अगर उसके एक्सेसिबिलिटी की बात की जाए तो उसके जो स्लोप है, हमें जिस जगह पे बम्पर है उसके ऊपर वाली साइड में लगवाई है, और वो थोड़ी ज़्यादा स्टीप है, लेकिन इतना इशू नहीं है ज़्यादा। तो हर वक्त क्योंकि बम्पर के ऊपर हमने स्लोप लगाई है तो उसका जो एरिया हाइट है वो कम हो जाती है, जिसके वजह से मैं उससे थोड़ा सा टच करता है लेकिन वो आराम से घुस जाती है चेयर फिर भी। और अंदर वाला जो सरफेस एरिया है वह हमने इंक्लाइन रखा है, आगे से थोड़ा ऊंचा किया ताकि ब्रेक वगैरह ज़्यादा मसला ना हो। अब दोनों में अगर एक्सेसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो चेयर दोनों में चली जाती है, कोई इतना इशू नहीं है दोनों के पैर। अगले पॉइंट जो बात करेंगे वह है स्पीड। सुजुकी एवरी की टॉप स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर है, और होंडा स्पीड की टॉप स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ पे मैं एग्जांपल देता चलूँ आपको कि इस्लामाबाद जाते वक्त जब भी मैं एवरी वैगन पे गया हूँ तो मुझे तकरीबन 7 घंटे और मैं एवरेज रखते हैं इस्लामाबाद पहुँचने के लिए, जो कि काफ़ी थकावट का सफर बन जाता है। और जो होंडा स्पीड है इस पर आप आराम से 120 किलोमीटर, जो कि मोटरवे की टॉप स्पीड है, उस पर चल के 4 घंटे में आराम से पहुँच सकते हैं। तो अगर स्पीड का देखा जाए तो इसमें ऑब्वियसली होंडा स्पीड विन करती है। होंडा स्पीड 1 सुजुकी 0। अगले पॉइंट पर जो हम बात करेंगे वह है शॉक अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। अगर आपको बताओ कि दो तरह के शॉक अब्जॉर्बर्स आते हैं, एक जो सुजुकी एवरी में है उनको कहते हैं चिमनियाँ, वो लंबी बार्स होती हैं स्टील की, जो कि कई डब्बे में भी होती हैं, लेकिन जो होंडा स्पीड है इसमें स्पाइरल स्प्रिंग होते हैं और ये ज़्यादा सिक्योरिटी के होते हैं और शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी इनमें ज़्यादा होती है। जिन खड्डों में मुझे एवरी को ऐसा करवाना पड़ता था वह एक नॉर्मल स्पीड पे होंडा स्पीड में से आराम से गुजर जाती है। शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी में होंडा स्पीड फिर विन करती है। होंडा स्पीड 2। जो अगले पॉइंट पर हम बात करेंगे वह है एयर कंडीशनिंग सिस्टम। आजकल की जो पाकिस्तान में गर्मी पड़ती है साल के 9 महीने, वो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि बंदे की तबाह तबाह करवा देती है। तो इस गर्मी के मौसम में एसी बहुत ज़्यादा असेंशियल है किसी भी कार में। अगर सुजुकी एवरी की बात की जाए, जो फ्रंट सीट पर दो बंदे बैठे होते हैं उनके लिए वो एसी काफ़ी होता है, लेकिन जैसे मैं पीछे जैसे बैठता रहा तो एसी की थ्रो इतनी ज़्यादा नहीं थी, और मुझे पीछे एक्सटर्नल फैन लगाना पड़ता था ताकि हवा का फ्लो मेरे तक आ सके। एसी की सर्विस भी जल्दी करवानी पड़ती थी। एज़ कम्पेयर टू होंडा स्पीड
इसका ऐसे इतना प्रॉफिटफुल इतनी अच्छी है एवरेज से भी पीछे बैठा होता हूँ, लेकिन मुझे बाजू का छतरी लगती है और ए सी काम करवाना पड़ता है। और इसके पीछे भी ए सी की आउटपुट दी हुई है, वहाँ से भी हवा आती है। तो ए सी में एक बार फिर हंडा फिर जीत गई है, हंडा फिर थ्री अगले जो हम बात करेंगे वह है साउंड। साउंड का एक्सेसिबिलिटी से ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन जो बंदा बैठता है आमतौर पर हम सब शौकीन होते हैं म्यूजिक के। तो जहाँ तक म्यूजिक की बात की जाए, एग्री के अंदर जो स्पीकर थे वह हमने बाइक से लगवाए थे, उसमें तकरीबन 10-15 हज़ार का खर्चा आया था। और जो हंडा फ्रीड है इसमें जो स्पीकर हैं वो पहले से ही मौजूद थे। पहले मैंने चेंज करने का सोचा था और जब मैंने चेक की तो आवाज़ आउट ऑफ द क्लास थी, लेकिन इसमें एक इशू है जो इशू तो नहीं कह सकते। जब पीछे मैं बैठा होता हूँ तो स्पीकर पीछे होने की वजह से इतनी ऊंची आवाज़ होती है कि मुझे फ्रेंड्स की तरह बंदे से कम्युनिकेट करने बाद रुका मसला होता है। लेकिन म्यूज़िक में बहुत ज़बरदस्त है काम। इसमें एक बार फिर हंड्रेड फीट विनर है, हंड्रेड फीट फोर। अगले पॉइंट में जो हम बात करेंगे वह है सीटिंग कैपेसिटी। अगले जब हम लेने गए थे तो इसमें दो फ्रंट सीट्स के अलावा और कोई सीट नहीं थी, सिर्फ व्हील चेयर की जगह थी। पिछली दो छोटी सीट्स मुझे बाहर से लगवानी पड़ी, उनका भी खर्चा आया, वो इतनी कम्फर्टेबल भी नहीं थी। और जो हमने हमारा सीट ली यह है तो इम्पोर्टेड कार, लेकिन हमने इसको व्हील चेयर एक्सेसिबल लोकली तौर पर बनवाया है। तो इसमें हमने अपने एडजस्टमेंट करा के इसकी सीटिंग कैपेसिटी फ्रॉम 2 to 3 ईजिली 5 कर ली है, और इसको 6 वे तक लिया जा सकता है। सो व्हेन इट कम्स टू सीटिंग कैपेसिटी हंडा फ्रीड इज द विनर, हंडा फ्रीड 5 सुजुकी जीरो। अब अगले पॉइंट में बात करेंगे इम्पोर्टेड वर्सेस लोकल। हालांकि ये दोनों गाड़ियाँ इम्पोर्टेड है और जापान से आई हैं, लेकिन जो सुजुकी एवरी है वो व्हील चेयर एक्सेसिबल बाइक से बन के आई थी, और जो हंडा फ्रीड है वो हमने पाकिस्तान में लोकली बनवाई है व्हील चेयर एक्सेसिबल। जाहिर सी बात है बाइक की और पाकिस्तान की मेड क्वालिटी में डिफरेंस तो होगा, लेकिन हमने इतना अच्छा काम कराया कि वो बहुत मिनिमल डिफरेंस है। ऑब्वियसली आपको चाहिए कि जब व्हील चेयर एक्सेसिबल की बारी आए तो आपको इम्पोर्टेंट की तरफ जाना चाहिए। तो इन दिस के क्योंकि अभी बाइक से ही बन के आई थी पूरी, तो सुजुकी एवरी इज द विनर। हंडा फ्रीड एवरी वन। अगले पॉइंट में बात करेंगे वो है प्राइस। ऑब्वियसली हर बंदे की अपनी बाइंग कैपेसिटी होती है, कोई एक्सपेंसिव कार ले सकता है और कोई नहीं ले सकता। जो सुजुकी एवरी है वो आजकल की मार्केट प्राइस में आपको व्हीलचेयर एक्सेसिबल जो है 12 से 14 के बीच मिल जाएगी आपको, लेकिन जो हंडा फ्रीड है उसमें क्योंकि ऑप्शन ज़्यादा लग्जरी कार है तो वो आपको कम 24 से 28 के बीच में मिलेगी। मैंने सुजुकी एवरी 10 लाख में ली थी और हंडा फ्रीड तकरीबन 24 में मिली है मुझे। अब जाहिर सी बात है वह एक लग्जरी कार है, उसमें ऑप्शन ज़्यादा है तो वह एक्सपेंसिव है। ओवरऑल देखा जाए तो इस प्राइस रेंज में दोनों का टाई इसलिए कि हर एक की बैंक कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, लेकिन जो हमने आज कंपैरिजन किया है इसके मुताबिक हंडा फ्रीड को 5 पॉइंट मिले हैं एवरी वन। सो अगर देखा जाए अगर आपकी बैंक कैपेसिटी अच्छी है तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर हंडा फ्रीड, क्योंकि ये कम्फर्टेबिलिटी और लग्जरी दोनों मिलेंगी इसमें आपको। और जो इससे व्हील चेयर एक्सेसिबल बनवाने का जो खर्चा आया वह तकरीबन 20-25 तक आया, और उसमें एडजस्टमेंट्स करवाई हमने बस। और जो एडजस्टमेंट्स की वीडियो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ देख लीजिएगा। उम्मीद है आपको ये कंपेरिजन की वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइब तो बनता है ना, फिर आप बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं ऑनलाइन आए तो आपको पता चल जाए। अल्लाह हाफिज़।
कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना।